हाय फ्रेंड्स, दिस इज सनी कौशला एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रू विट्स विद सनी कौशला। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। और पहला ही क्वेश्चन है हमारा, आई स्मॉल्स वाटरफॉल of group of waterfalls flowing down a rocky hill side is called, यानी कि एक ऐसा waterfall या फिर waterfalls का group जो किसी rocky hill side से नीचे की ओर बह रहा हो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही alternative है, इसका जो सही विकल्प है वो होगा cascade। क्या होगा दोस्तों? cascade। अगला क्वेश्चन सर दोस्तों, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आदमियों का मांस का भक्षण किया हो उसे कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कैनिबल। अगला क्वेश्चन सर, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमोर, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसी मशीन जिसके द्वारा पृथ्वी में हुई हलचल को या पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में हुई गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो कहा जाता है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या नाम है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। द प्रैक्टिस ऑफ वुमन हैविंग मोर देन 100 एट द सेम टाइम, यानी किसी औरत की एक समय पर एक से ज़्यादा पति रखने की जो रिवाज होता है उसे हम बोलते हैं पोलियंड्री। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पोलियंड्री। यानी कि किसी एक महीना की महिला की एक समय पर एक से अधिक पति रखने का जो प्रैक्टिस होती है उसे हम कहते हैं पोलियंड्री। स्पेशलाइज इन नोज डिसीज, यानी कि जो नोज होती है हमारी, उस नोज डिसीज के लिए जो स्पेशल होता है उस डॉक्टर को हम बोलते हैं रिनोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिनोलॉजिस्ट। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, यानी किसी एरिया की जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं पेरिफेरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पेरिफेरी। अ वार ऑफ रिलीजन, यानी कि जो धर्म के लिए एक लड़ाई लड़ी जाती है उस लड़ाई को हम जो बोलते हैं उसका नाम होता है क्रूसेड। क्या होता है दोस्तों? क्रूसेड। यानी कि किसी भी धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसका नाम होता है क्रूसेड। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, यानी कि सज्जन पुरुषों या फिर संपन्न या फिर नोबल व्यक्तियों के लिए जो गवर्नमेंट होती है, जो नोबल व्यक्तियों के द्वारा संचालित गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। यानी कि कैसी गवर्नमेंट जो नोबल्स के द्वारा संचालित होती है, यानी कि जो समृद्ध फैमिली के द्वारा संचालित होती है उस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। टू स्टोर एंड स्टॉक, यानी कि स्टोर करना या फिर एक स्टॉक लगाना उसे हम बोलते हैं होल्ड। ऐसी क्रिया जिसमें हम किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं या फिर स्टॉक के रूप में जमा करके रखते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं होल्ड, यानी कि इकट्ठा करना। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स, यानी कि किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी का रिलेशन जो किसी दूसरे से संबंधित हो और उसके आसपास के वातावरण को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि पारिस्थितिक के जो घटक होते हैं उनके संबंधों की स्टडी, यानी कि उनके संबंधों का अध्ययन और उसके आसपास के वातावरण को जो उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं उसे बोलते हैं इकोलॉजी। अ बॉडी ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, यानी कि एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा संगठन जो लोगों का है जिसे अपॉइंट किया जाता है किसी के एविडेंस को सुनने के लिए और
उन एविडेंस के आधार पर अपना निर्णय सुनाने के लिए किसी मुकदमे में, तो उस प्रकार की जो बॉडी होती है उसे जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो उसके लिए एक वर्ड दिया जाता है उसे हम बोलते हैं जूरी। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली प्रटेंड्स करता है कि वह कोई और है, यानी कि दूसरे व्यक्ति का होने का बहाना करता है, किसी और का होने का बहाना करता है, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इम्पोस्टर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इम्पोस्टर। वॉयलेंट स्ट्रोम, यानी कि एक ऐसा स्ट्रोम, एक ऐसा तूफान जो ज़्यादा गंभीर होता है, जो ज़्यादा भयानक होता है, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं द टेम्पेस्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? टेम्पेस्ट। और जो ये टेम्पेस्ट है, इसी के नाम पर विलियम शेक्सपियर ने एक अपना प्ले लिखा था जो आया था 1611 AD में, जिसका नाम था द टेम्पेस्ट। फ्रेंड्स आगे जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है वह है केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी, यानी कि एक ऐसी सावधानी पूर्वक इंक्वायरी जो जिसमें पूछताछ की जाती है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेट या इन्वेस्टिगेशन, यानी कि एक ऐसी सावधानी पूर्वक इंक्वायरी जिसको हम कुछ जानने के लिए करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेट। अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो प्रोग्रेस करने की जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटी होती है उन्हें रोकती है, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसका नाम होता है बॉटल नेक। क्या होता है दोस्तों? बॉटल नेक। अ डिसीज विच इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो सीधे सीधे एक दूसरे को छूने से फैलती है उसे हम बोलते हैं कॉन्टेजियस, यानी कि वो क्या होती है दोस्तों? कॉन्टेजियस, यानी कि जो एक दूसरे को छूकर जो हमें एक दूसरे से लगती है उसे हम बोलते हैं कॉन्टेजियस। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन होती थी उनका जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्कियोलॉजी, इनके एक ऐसा अध्ययन या एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम एंशियंट यानी कि प्राचीन काल की सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, यानी कि एक ऐसी एनिमल स्टोरी जिसके साथ में कोई मोरल जुड़ा हो उसे हम बोलते हैं फेबल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फेबल, यानी कि फेबल एक इस प्रकार की स्टोरी होती है जो में किसी एनिमल्स के ऊपर कोई स्टोरी बेस होती है और जिसके साथ में एक मोरल जुड़ा होता है। द थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, यानी कि एक ऐसी भी वस्तु जो टूटने में आसान हो, जो आसानी से तोड़ी जा सके, उसके लिए हम जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्रिटल। बॉडी ऑफ सिंगर्स, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो गायकों का हो, जो सिंगर्स का हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है कोयर। क्या होता है फ्रेंड्स? कोयर। वेरी ड्रामेटिक, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो, जो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज हो, जो बहुत ज़्यादा ड्रामे पे बेस हो, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टोरियनिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हिस्टोरियनिक। अ फिगर ऑफ स्पीच बाई विच अ थिंग इज स्पोकन एज बींग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स, यानी कि कैसा फिगर स्पीच जिसमें हम किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से सीधी तुलना कर देते हैं, यानी कि कैसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से सीधे तुलना करते हुए उसे ऐसा ही मान लिया जाता है। तो उस फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा मेटाफर। क्या होता है फ्रेंड्स? मेटाफर। द प्रोसेस बाई विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई
पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एक्सपेंस होते हैं, अपने जो खर्चा होता है उसकी जो रकम होती है उसमें कमी करता है, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिट्रेंचमेंट, एन एस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल प्रैक्टिकल वाइजडम, यानी कि एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा स्थापना या एक ऐसा एस्टेब्लिश प्रिंसिपल जो प्रैक्टिकल विजडम के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैक्सिम। पर्सन विद होम वन वर्क्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम लोग कार्य करते हैं, जो हमारे साथ कार्य करता है, तो उस व्यक्ति के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं कलीग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कलीग। ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, और ऐस यानी कि जो करेक्टर की ईमानदारी होती है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं रेक्टीट्यूड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रेक्टीट्यूड। एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी, यानी कि जो सिंपैथी होती है उसका जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके लिए जो हम वन वर्ड यूज़ करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्डोलेंस, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम जब उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए कोई लेख लिखते हैं या फिर कोई सभा रखते हैं तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्डोलेंस। पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, यानी कि जो घोड़े से संबंधित कोई होता है या कोई वर्ड होता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ बोल करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं इक्वाइन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इक्वाइन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड्स, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम साउंड्स को या आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकें उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फोनोग्राफ। क्या होता है फ्रेंड्स? फोनोग्राफ। वन हु कैन नॉट करेक्टेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता या जिसे कभी भी सुधारा नहीं जा सकता उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इनक्रीजिबल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनक्रीजेबल, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया गया है उसे हम बोलते हैं इनक्रीजेबल। डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसे हम समझने में, जिसे हम पढ़ने में इम्पॉसिबल होते हैं, डिफिकल्ट महसूस करते हैं उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इलिजिबल, यानी कि एफर्ट नहीं है। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, यानी कि एक ऐसा अनिश्चित अनाशान्वित पीस जो गुड फॉर्चून का बैड फॉर्चून में बदलता है उसे हम बोलते हैं विंडफॉल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? विंडफॉल, यानी कि एक ऐसा वर्ड या जिसके द्वारा हम अच्छे फॉर्चून को अनएक्सपेक्टेडली बुरे फॉर्चून में बदलते हुए देखते हैं तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं विंड फॉल। दोज हू गो ऑन टू समवन एल्स लैंड विदाउट द ओनर्स परमिशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की भूमि में बिना उसकी आज्ञा के या बिना उसकी परमिशन के किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में एंटर करता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रेसपासर्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ट्रेसपासर्स। समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा जिसे हम अपने से दूर नहीं कर सकते हैं उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं इन एलियनेबल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे अपरिचित ना हो या जो हमसे अपरिचित होने के लायक ना हो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो फ्रेज यूज़ करते हैं वो होती है समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी वस्तु जिसे हम अपने से दूर नहीं रख सकते। अगला है फ्रेंड्स, स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि ऐसा स्केल जिसके द्वारा हम किसी अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं,
यानी कि एक ऐसी स्केल या कोई ऐसा मापक जिसके द्वारा हम किसी अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ होती है उसे मिजर करते हैं। तो उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया जाता है उसके लिए हम बोलते हैं रिएक्टर। यानी कि रिक्टर स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा हम अर्थक्वेक की जो तीव्रता होती है उसे मापते हैं। समथिंग कैप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो किसी इवेंट को रिमाइंडर के लिए रखी जाती है, यानी किसी इवेंट को याद दिलाने के लिए जो कोई चीज़ रखी जाती है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सोवेनियर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सोवेनियर। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं आर्टिस्ट। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है या फाइन आर्ट्स बनाता है, फाइन आर्ट्स की पेंटिंग करता है, उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसे हम बोलते हैं आर्टिस्ट। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि अपने जो ऑफेंडर्स होते हैं उनसे जो एक जनरल पार्डन की जाती है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं अमनेस्टी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अमनेस्टी। अ पेपर रिटन बाई हैंड, यानी कि एक ऐसा पेपर जो हाथों के द्वारा लिखा गया हो, या वन ऐसी कोई पुस्तक या ऐसी कोई डायरी जिसमें हम अपने हाथों से लिखते हैं, यानी कि हैंड रिटन नोट जिस चीज़ में सम्मिलित होते हैं उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि पांडुलिपि। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेवरी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्रेवरी। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन होगा वो होगा ब्रेवरी, लास्ट वन इज करेक्ट। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फ्लैश, यानी कि एक ऐसा आर्ट जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स बर्ड्स और फिश की स्किन को प्रिजर्व करते हैं। तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है टैक्सीडर्मी। क्या होता है फ्रेंड्स? टैक्सीडर्मी। रिलेटेड टू मून, यानी कि जो चंद्रमा संबंधित होता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं लूनार, यानी कि चंद्रमा से संबंधित, यानी कि चंद्रमा का जो कला है होती है उसके लिए जो हम सम वर्ड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लूनार। सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर फ्रीइंग ए पर्सन फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी कि किसी रकम की किसी धन का ऐसा ही राशि जो हम किसी आदमी को छुड़ाने के लिए या किसी की कैद से छुड़ाने के लिए हम किसी आदमी को देते हैं उसे हम बोलते हैं रैनसम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रैनसम, जिसे हम बोलते हैं फिरौती। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसी किताब जो नॉलेज की प्रत्येक ब्रांच के बारे में जानकारी देती है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम, यानी कि एक ऐसा या किसी ट्राइब का ऐसा मेंबर जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है जिसका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं नोमेड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नोमेड। फिट टू बी चूजन, यानी कि जिसे चुनने के लिए जो योग्य हो, चुनने के लिए जो बिल्कुल फिट होता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है एलिजिबल, यानी कि योग्य। एन एनिमल और प्लांट लिविंग इन अपॉन अनदर, एन एनिमल और प्लांट, एक ऐसा पौधा या फिर ऐसा कोई जानवर जो लिविंग इन अपॉन अनदर, ये जो किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी दूसरे पौधे पर अपने जीवन का निर्वाह करता है उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं पैरासाइट। यानी कि एक ऐसा पौधा जो किसी दूसरे व्यक्ति से अपने जीवन के लिए पोषण ग्रहण करता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन से, यानी कि जो दो व्यक्ति होते हैं उनके जो बीच में एक
बहुत ज़्यादा घृणा होती है उसके लिए, जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंटीपैथी। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि जो एक मानव समूह होता है उसकी जो एक रेस होती है उसकी जो किलिंग करना होता है, जो उसको मारना होता है, उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं जेनोसाइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? जेनोसाइड। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, यानी कि किसी रीजन में किसी विशिष्ट स्थान में उगने वाले प्लांट्स और वेजिटेशंस के लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्लोरा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।